गाइस, तो जैसे कि हम सभी को पता ही है, जो खुशी मूवी है वो 1 अगस्त को रिलीज हुई थी और आज है मूवी को 7वां दिन। तो जानेंगे आज मूवी कितना कर रही है बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन और टोटल 6 दिनों में इसने अब तक कितना कलेक्शन किया है। तो सारा कुछ जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए गाइस। तो गाइस, जैसे कि हम सभी को पता है, इस मूवी का जो बजट है वो मात्र 50 करोड़ है। तो ज़्यादा हाई बजट मूवी नहीं है बोल सकते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी मूवी है और जिस वजह से मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला है ऑडियंस की तरफ से। और मूवी ने भाई बहुत ही अच्छा कलेक्शन किया है भाई। सामंथा की और जो विजय देवराकोंडा है उनकी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी पसंद आई लोगों को। मूवी ने पहले दिन इंडिया से नेट कलेक्शन किया था लगभग 15 करोड़ 25 लाख और दूसरे दिन कलेक्शन किया था लगभग 9 करोड़ 90 लाख। बात करें तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो तीसरे दिन मूवी का कलेक्शन जो था वो लगभग 10 करोड़ से प्लस था, यानी कि 10 करोड़ 10 लाख। बात करें चौथे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो चौथे दिन इस मूवी ने 2.5 करोड़ का कलेक्शन किया था, पाँचवें दिन 2 करोड़ और छठे दिन मूवी ने कलेक्शन किया था लगभग 1.5 करोड़। जी हाँ गाइस, 1.5 करोड़। आज जन्माष्टमी, तो आज ये मूवी, आज जैसे कि आप सभी को पता ही है कि आज रहने वाली है कॉलेज स्कूल वगैरह और ऑफिस वगैरह की छुट्टी, तो आज ये मूवी जो कलेक्शन कर रही है वो 2 करोड़ का प्लस कर रही है और हो सकता है कि कलेक्शन 2.5 करोड़ भी कर ले। तो इससे इसका जो टोटल इंडिया नेट जो कलेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी कि टोटल 7 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन अपन लोग मिला लें तो वो हो जाएगा लगभग 45 करोड़। सी हाँ गाइस, 45 करोड़ इंडिया नेट। और वहीं अगर बात करें बर्ड बैडली, तो बर्ड बैडली ये मूवी जो है कि 80 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी होगी। सी हाँ गाइस, यानी कि 80 करोड़ का जो कलेक्शन है वो ये मूवी अपने डे से अभी तक कंप्लीट कर चुकी होगी। मूवी का बजट है 50 करोड़, तो ये बर्ड बैडली एक हिट मूवी हो चुकी है, बट अभी तक ये इंडिया में एक हिट मूवी साबित नहीं हुई है, क्योंकि इंडिया में हिट होने के लिए इसे लगभग 70 करोड़ इंडिया से नेट चाहिए। जी हाँ गाइस, इंडिया से नेट इसे 70 करोड़ का कलेक्शन करना होगा, बट अभी तो वो इम्पॉसिबल से दिख रहा है, क्योंकि आज हो रही है ज़बान रिलीज़। तो ज़बान भाई सारे ही जो है कि थिएटर अपने कब्जे में कर लेगी, आई मीन सारे सिनेमा घर जवान के अंडर आ जाएंगे, तो इसके लिए हिट होना थोड़ी सी मुश्किल की बात हो जाएगी। लेकिन गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है कि यार मतलब जो जवान है वही सारा कुछ कर लेगी, तो मतलब हो सकता है ये मूवी का जो है कि अपना हाइप बना ले अलग से और एक साइड बाई साइड जो है कि अपना कलेक्शन करती रहे, बट वो अभी तो गाइज पता नहीं कि यार ऐसा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा है। बात बाकी आपको क्या लगता है गाइस, ये जो मूवी है अपना कलेक्शन कितना कर पाएगी या नहीं, अपने कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। अगर आप विजय देवराकोंडा की फैन, वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सकें टाइम टू टाइम। थैंक यू गाइस।